गुड इवनिंग गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 13 फेस्टिवल एंड ओकेशंस ऑफ क्लास 3. सो वी ऑल सेलिब्रेट अ नंबर ऑफ फेस्टिवल्स. इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स रिसाइड. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या है, नंबर ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स का डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है साल में या फिर इन एवरी मंथ. ओके, सो वेरियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड लाइक एवरी ईयर बाई डिफरेंट रिलीजन्स. सम ऑफ द फेस्टिवल आर नेशनल फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाई द होल कंट्री एवरी ईयर, वाइल सम आर रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सम स्टेट्स. इसका मतलब ये है कि हर साल जो है फेस्टिवल हर एक रिलीजन का सेलिब्रेट होता है और कुछ स्टेट्स में जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब हुआ लाइक पोंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री. दीज आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. इसका मतलब क्या हुआ जिक्रा, नेशनल फेस्टिवल्स का मतलब क्या होता है? हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती. हाँ, तो ये सारा नेशनल फेस्टिवल्स हैं, तो ये हर एक रिलीजन ही इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस डे. दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त. ये फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे कौन से डे में सेलिब्रेट होता है? 15 अगस्त. वी सेलिब्रेट दिस डे बिकॉज इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था. इंडिया गॉट फ्रीडम किससे? ब्रिटिश रूल से. यानी कि ब्रिटिश हम लोगों के ऊपर रूल करते थे और उन्हीं के रूल से हम लोगों को फ्रीडम मिला था. वी गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे इन 1947. ओके, द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली. जो इसका मेन फंक्शन होता है, जो इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वो कहाँ पे होता है? न्यू दिल्ली. एग्जैक्टली. द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एंड गिव्स अ स्पीच. तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, झंडा लहराते हैं और स्पीच देते हैं. नाउ नेक्स्ट, रिपब्लिक डे. दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी. कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है? 26th January. वी सेलिब्रेट दिस डे बिकॉज ऑन दिस डे इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स एंड इंडिया बिकेम अ ट्रूली सोवरीजियन स्टेट. द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली. ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का फोर्स इंडिया आया था, ठीक है, और इसी वजह से ये फंक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं राजपथ में न्यू दिल्ली. ओके, नाउ नेक्स्ट, देयर इज ग्रैंड पैरेड ऑन दिस डे. द आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, फॉक डांसेस एंड स्कूल चिल्ड्रेन टेक पार्ट इन इट. चिल्ड्रेन हु हैव वॉन अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द परेड. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे फोर्सेस आते हैं, यहाँ पे फॉक डांस होता है, स्कूल के बच्चे जो इसे रिप्रेजेंट करते हैं और चिल्ड्रेंस को इसमें जो है अवार्ड्स भी दिया जाता है ब्रेवरी का. ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी का अवार्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट, गांधी जयंती. गांधी जयंती क्या है? दिस डे सेलिब्रेटेड ऑन 2nd October. ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2nd October को. क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है महात्मा गांधी जी का जो है बर्थडे है. द मेन फंक्शन इज हेल्ड, इसका मेन फंक्शन कहाँ पे होता है? समाधि ऑफ महात्मा गांधी एट राजघाट इन न्यू दिल्ली. तो राजघाट न्यू दिल्ली में इसका मेन फंक्शन जो है होता है. द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर्स ऑफर प्रेयर्स एट द समाधि. तो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और भी बाकी लोग जो हैं वहाँ पे क्या जाके करते हैं, प्रेयर करते हैं समाधि के ऊपर. ओके, नाउ नेक्स्ट, रिलीजियस फेस्टिवल्स. अब रिलीजियस फेस्टिवल क्या है? पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, हर तरह के रिलीजन के पीपल जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हर साल. ओके, लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री. तो कुछ फेस्टिवल के बारे में जानते हैं जो हम लोगों के कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है. जैसे कि हो गया दीपावली. दीपावली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट. दीपावली क्या है? फेस्टिवल ऑफ लाइट है जिसमें हम लोग दिए जलाते हैं. ओके, और चिल्ड्रेंस लाइक टू सेट ऑफ फायर क्रैकर. और चिल्ड्रेंस क्या करते हैं? पटाखा फोड़ते हैं, है ना, जो कि नहीं करना चाहिए, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये जो है एयर को पॉल्यूट करते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए. और इससे जो है क्या होता है, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ड्यू टू नॉइस पॉल्यूशन. सो चिल्ड्रेंस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको क्रैकर्स को जो है दिवाली में बर्स नहीं करना चाहिए. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, सी
फ्लोर पैटर्न्स कॉल्ड रंगोली आर मेड लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ इज वर्शिप. क्या होता है इसमें, रंगोली जो है फ्लोर के ऊपर जो है बहुत कोई रंगोली बनाते हैं, लक्ष्मी जो होती हैं उनका वो लोग वेलकम करते हैं, जो जिन्हें भगवान माना जाता है और उनका पूजा किया जाता है, घर को सजाया जाता है. हाउसेस आर डेकोरेटेड विद दियर्स कैंडल्स एंड लाइट. तो दिए से और फिर कैंडल्स से लाइट से घर को सजाया जाता है. आप लोग सभी ने देखा होगा दिवाली में किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, दिए और पटाखे एंड कैंडल्स ये सब कुछ से सेलिब्रेट करते हैं दिवाली फेस्टिवल को. पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ईट स्पेशल फूड्स एंड स्वीट्स द विंटर सेट इन विद दीपावली. तो इसमें क्या होता है, जो इंसान है पीपल है वो लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे फूड खाते हैं और स्वीट्स भी जो है एक्सचेंज करते हैं आपस में और खाते भी हैं. नाउ सी नेक्स्ट ई, द मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा. तो ईद उल फितर और ईद उल जुहा सेलिब्रेट किया जाता है, जो मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं. दे सेलिब्रेट ईद आफ्टर फास्टिंग होल मंथ ऑफ रमज़ान. तो ये ईद कब आता है, जब वो लोग फास्ट करते हैं आफ्टर फास्टिंग, रमज़ान के बाद ईद आता है. ओके, सो आफ्टर द ईद नमाज प्रेयर्स पीपल एम्ब्रेस एंड विश ईच अदर ईद मुबारक. ईद के नमाज के बाद एक दूसरे में वो लोग आपस में मिलते हैं और ईद मुबारक एक दूसरे को विश करते हैं. मनी एंड क्लोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पुअर. और जो है पैसे और कपड़े जो है पुअर पीपल में, गरीबों में बांटा जाता है. सेवई और स्पेशल स्वीट डिश इज प्रिपेयर्ड ऑन ईद उल फितर. ईद में जो है स्पेशल डिश बनाए जाते हैं जिसका नाम है सेवई. नाउ सी नेक्स्ट होली. होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर. इट इज मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया इन द मंथ ऑफ मार्च. तो होली जो है ये कलर का फेस्टिवल है जो नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है मार्च के महीने में. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन थ्रो कलर पाउडर कॉल्ड गुलाल एंड वाटर ऑन वन अनदर. पीपल मेक अ स्पेशल डिजर्ट नेम गुजिया. होली मार्क्स द एंड ऑफ विंटर. इसका मतलब ये हुआ कि मर्द और औरत जो है, मैन और वुमेन आपस में कलर पाउडर थ्रो करते हैं जिसका नाम है गुलाल, या फिर वो लोग क्या करते हैं पिचकारी में कलर वाटर भर के एक दूसरे के ऊपर थ्रो करते हैं और स्पेशल सा एक स्वीट डिश बनाते हैं, डेजर्ट बनाते हैं जिसका नाम है गुजिया. और होली जो है एक मार्क है विंटर के ख़त्म होने का, एंड ऑफ विंटर. ओके, नाउ सी नेक्स्ट दशहरा. दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. लॉर्ड राम इज सेड टू हैव किल्ड रावणा. तो दशहरा जो है माँ के एक जीत का, विक्ट्री का, किसके ऊपर, इविल के ऊपर यानी कि शैतान के ऊपर. लॉर्ड रामा ने क्या किया था, मारा था किसको, रावणा को. ठीक है, जिसका 10 हेडेड डेमन किंग. इसका मतलब रावण का कितना असर होता है, 10. ओके, ऑन दिस डे द फिंगर्स ऑफ रावणा मेघनाद एंड कुंभकर्ण आर बर्न्ड ऑन दिस डे. दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल एंड अनदर एंड अदर स्टेट. तो इसमें क्या होता है, कुंभकर्ण भी इसको जो है जलाया जाता है इस डे में, और दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है और दुर्गा पूजा जो है वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, दुर्गा पूजा जो है वेस्ट बंगाल का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है बंगालीज के लिए. नाउ सी नेक्स्ट, गुरुपुरब. द सिख सेलिब्रेट गुरुपुरब. दे सेलिब्रेट इट टू मार्क द बर्थडे ऑफ देयर गुरुज. तो सिख जो है गुरुपुरब मनाते हैं क्योंकि वो लोग के जो है ये गुरु का उस दिन बर्थडे होता है. प्रेयर्स आर हेल्ड इन गुरुद्वारा. प्रेयर्स वो लोग जाके करते हैं गुरुद्वारा में ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में. लंगर ऑफ और फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस डे. तो लंगर और फ्री फूड इस दिन जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है. ह्यूज प्रोसेशंस आर टेकन आउट थ्रू सिटीज एंड टाउन्स. नाउ नेक्स्ट सी क्रिसमस. क्रिसमस इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. इट इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस एंड इट्स सेलिब्रेटेड ऑन 25th December. तो क्रिसमस जो है किसका बर्थडे होता है, इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है और ये क्रिश्चियन का बहुत ही बड़ा त्यौहार है और वो लोग इस त्यौहार को 25th December को खूबसूरत तरीके से मनाते हैं और ये लोग क्रिसमस ट्री को भी डेकोरेट करते हैं. आर पुट अप एंड प्लम केक्स आर स्पेशली बेक्ड. उस दिन वो लोग स्पेशली प्लम केक बेक्ड होता है. समर ड्रेसेस अप एज सांता क्लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड गिफ्ट्स टू चिल्ड्रेन. प्रेयर्स आर हेल्ड इन चर्चेस, गिफ्ट्स आर एक्सचेंज. तो उस दिन जो है कुछ लोग क्या करते हैं, सांता क्लॉज बनते हैं
और स्वीट्स और गिफ्ट जो है चिल्ड्रंस में बांटते हैं और प्रेयर जाके चर्च में करते हैं और गिफ्ट भी आपस में एक्सचेंज करते हैं। नाउ सी नेक्स्ट, बसंत पंचमी। सो बसंत पंचमी इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। ये बिगिनिंग होता है स्प्रिंग सीजन का। और सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग इज वर्शिप ऑन दिस डे। सरस्वती को क्या माना जाता है? पढ़ाई की देवी। ओके, बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्रेस अप इन येलो क्लोथ्स, पीपल ऑल्सो फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। तो लड़का और लड़की क्या करते हैं? बेसिकली येलो कलर के क्लोथ्स पहनते हैं और उस दिन जो है पतंग को ये लोग उड़ाते हैं। मौसी रक्षाबंधन और रक्षाबंधन, सिस्टर्स टाई राखी ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट एंड प्रे फॉर देम। गिफ्ट्स एंड स्वीट्स आर ऑल्सो एक्सचेंज। तो रक्षाबंधन में भाई बहन जो है भाई को राखी बांधती है उनके कलाई पे और उस दिन आपस में गिफ्ट्स और स्वीट्स एक्सचेंज होता है। नाउ सी हार्वेस्ट फेस्टिवल विच आई हैव टॉट यू इन द बिगनिंग एज आई हैव सेड पोंगल के बारे में। सो हार्वेस्ट फेस्टिवल इज द फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है ऑन थाई द फर्स्ट डे ऑफ तमिल मंथ। तो फर्स्ट मंथ होता है तमिल का, उसमें ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। इट मार्क्स द एंड ऑफ राइस हार्वेस्टिंग। तो उस दिन क्या होता है, राइस जो है हार्वेस्टिंग होता है और इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days, 3 दिन तक इसको मनाया जाता है। काउस आर फेड विथ पोंगल राइस। काउस को जो है खाना खिलाया जाता है पोंगल राइस। पोंगल राइस उन लोगों का एक डिश है। द सन गॉड इज वर्शिप। उस दिन इन लोग सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। नाउ सी नेक्स्ट, ओनम। ओनम भी इसी तरह का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सी मेनली सेलिब्रेटेड इन केरला इन ऑनर ऑफ किंग महाबली। इन लोगों का किंग है, उन्हीं के ऑनर में जिनका नाम है महाबली, ये लोग ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। दिस कलरफुल फेस्टिवल इज फेमस फॉर बोट रेसेस एंड ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एलिफेंट। उस दिन उन लोग क्या करते हैं, बोट का रेसेस करते हैं और एलिफेंट को अच्छी तरीके से वो लोग सजाते हैं। उस दिन भी पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ईट अ स्पेशल मील सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स। उस दिन क्या करते हैं, ये लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और खाना सर्व करते हैं और खाते हैं केला के पत्ते के ऊपर बनाना लीव्स। नाउ सी नेक्स्ट ओकेशन, टीचर्स डे। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th September। जैसे कि हम लोग को पता है कि 5 September को हम लोग टीचर्स डे टीचर्स के लिए सेलिब्रेट करते हैं और टीचर्स को गिफ्ट भी देते हैं, उनको ऑनर देते हैं, ठीक है, उनको इंटरटेन करते हैं उस दिन। इट इज़ द बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णा, द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन है, सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ये थे, कौन थे, नाम क्या है उसका, सिर्फ डॉक्टर एस राधाकृष्णा कृष्णा। ओके, नॉन एक्सी चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 14 November। ये 14 November को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है बच्चे के लिए, ठीक है, बच्चे लोगों के लिए मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू। उस दिन किसका बर्थडे था, जवाहरलाल नेहरू का, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। चिल्ड्रेन फाउंडली कॉल हिम चाचा नेहरू। तो उनको बच्चे लोग प्यार से क्या बुलाते थे, चाचा नेहरू। एग्जैक्टली। नाउ सी नेक्स्ट, बुद्धा बुद्ध पूर्णिमा। ओके, द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। किसका बर्थडे, बुद्धा पूर्णिमा, हाँ, गौतम बुद्ध का बर्थडे। महावीर जयंती, द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर इज सेलिब्रेटेड एज महावीर जयंती। उस दिन किसका बर्थडे, लॉर्ड महावीर जयंती का। तो हम लोग उस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं, महावीर जयंती। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।